हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एडवांस मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, और ट्रिग्नोमेट्री की आपकी फोर्थ क्लास है। ऑलरेडी थ्री क्लास हम विथ स्मार्ट ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ चुके हैं, और थ्री क्लास हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। और ये आपको थ्री क्लासेस जो आपने कवर किए हैं अपने इस चैनल पे एडी स्मार्ट क्लासेस पे, जब जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से आपको प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो कि आपको एक एक क्लास करके सभी क्लासेस का लाभ उठाना है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए आप। करेक्ट, प्रीवियस ईयर क्लास में हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल कर चुके थे। हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके, कंसेप्ट भी कुछ पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे, क्लास फोर है और 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भाई ये। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का तरीका आपको दो बताएंगे। पहला तरीका है आपका बेसिक, और दूसरा आप जानते ही हैं क्या है, स्मार्ट अप्रोच। करेक्ट, और जहां आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है या नहीं आता है, तो वहां पे काम क्या आता है, आपके छोटे छोटे कंसेप्ट ट्रिक, हाँ, अप्रोचेस ही काम आते हैं। चलिए, तो पहला मेथड करेंगे इसको सॉल्व किससे, मेथड नंबर वन बेसिक से। मेथड नंबर वन बेसिक से इसको करते हैं सॉल्व। जब आप इसको बेसिक सॉल्व करेंगे, तब देखिए प्रीवियस ईयर क्लास में ऐसी सिचुएशन जब बनती थी, तब आपने बहुत ही फेमिलियर होके सीख लिया था। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। करेक्ट, तो देखिए यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आपकी कंडीशन बनेगी, देखते हैं जरा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 sin A + 12 cos A = 17 cos A। करेक्ट, तो हो जाएगा आपका 12 sin A + 12 cos A = 17 cos A। एज इंटेड, इसके बाद आगे और जब सॉल्व करेंगे इसको, तब आप 12 sin A एज इट इज रखिए, 12 sin A आप एज इट इज रखिए, इज इक्वल टू, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में, 17 में से 12 जब आप लेस करेंगे तो आपका बचेगा 5 cos A। करेक्ट, इसके बाद आगे और जब सॉल्व करेंगे तो sin A आप एज इट इज रखिए और cos A को इधर लाइए, डिवाइड में हो जाएगा, cos A = 5 आपका एज इट इज, 12 आपका मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो हो जाएगा ये आपका डिवाइड में। तो sin θ / cos θ, आपको 1000 साल पहले मैंने एक फार्मूला भी पढ़ाया था, क्या होता है, sin θ / cos θ हो जाता है आपका 10θ। क्या हो जाता है, 10θ, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है, a, 10A = 5/12, 5/12। और 10 होता क्या है, क्लू वर्ड किससे डिनोट करते हैं, तो होता है P/B। तो यहाँ से H की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, H की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बेसिक से नहीं जाना है, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। इसीलिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आपका बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, अच्छे से आपको देखना है। उसमें आपको बेसिक भी बताया गया था और कुछ ट्रिपलेट भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिपलेट आपको बताए गए थे। तो आपको पाइथागोरियन प्रमेय लगा के यहाँ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट याद कीजिए ना, ट्रिपलेट क्या होता था, 5, 12 और 13। तो हाइपो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। और कंडीशन होती थी ना, ट्रिपलेट आपका कब सेटिस्फाई करेगा, हाइपो की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू से, हमेशा ज़्यादा होगी हाइपो की वैल्यू। पी बी और एच की वैल्यू जब आपने फाइंड कर ली, इसके बाद आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व आपको ये करना है, कंडीशन आपको दी गई 1 - cos A, 1 - cos A / sin A / sin A। करेक्ट, इसको करते हैं सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos A, cos होता है क्या आपका B/H। करेक्ट, साइन होता है आपका P/H। इसको और आगे सिंपलीफाई करिए तो देखिए डिनोमेटर में आ जाएगा आपका H - B / P/H। यहाँ से देखिए प्यार भरी नज़रों से, तो आपका H से H आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे आपका, बचा H - B/P। करेक्ट, यहाँ से H की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है और P की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू आपको
गिवेन है ना। चलिए तो एच की वैल्यू आपकी 13, बी की वैल्यू आपकी 12, 13 में से 12 गया, कितना बचा आपका 1, और पी की वैल्यू क्या है वहां से देखिए, तो पी की वैल्यू है आपकी 5, तो 1/5 जो कि हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है आप बोलेंगे, आंसर नंबर डी। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आपने यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं अब आपको एक नेक्स्ट कंसेप्ट से। ये था अभी आपका बेसिक मेथड नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप जो आपको बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच से, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है एक बार फिर से उसको नोट डाउन करेंगे, क्या है अपना, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन अपॉन है आपका कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल में आपको दिया गया है 17/12, एजेंटेड। ये आपको क्वेश्चन सिनेरियो दिया गया है। इसके बाद अब देखिए आप यहाँ पे मेथड नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कीजिए यहाँ पे मेथड नंबर 2। हाँ, फर्स्ट से हमने देखा बेसिक से, अब देखेंगे स्मार्ट अप्रोच से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी सॉल्व करने में, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखिए न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे आइए, साइन आपका क्या होता है आप बोलेंगे, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, करेक्ट, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में आपका कॉस है और कॉस होता है बी अपॉन एच। ये बात समझ में आई, इसके बाद देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर की वैल्यू से एच एच कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से भी एच है, तो एच से एच आपका हो जाएगा कैंसिल, एच का हो गया फंडा खत्म। अब देखिए आपको एक ट्रिपलेट मैंने लिखाया था, रिकॉल कीजिए क्या वो ट्रिपलेट था, 5, हाँ 5, 12 और 13। फ्लैशबैक में जाइए और क्लास फर्स्ट सेकंड को देखिए, आपको ट्रिपलेट मिल जाएंगे, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट लिखाया था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, न्यूमरेटर में आपका बचा पी प्लस बी, डिनोमेटर में बचा आपका बी, तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी दी गई है आप बोलेंगे 12, तो यहाँ से बी की वैल्यू तो आपकी आ गई 12, जो कि 100% राइट है, क्या है बी की वैल्यू आपकी 12, करेक्ट। आगे देखिए ट्रिपलेट इसमें यूज करना चाहते हैं तो कौन सा हम यूज कर रहे हैं, 5, 12 और 13, क्लू वर्ड देखा हमने 12, 12 इसमें आ रहा है, तो यहाँ से हमने सोचा कि 5, 12 ट्रिपलेट यूज करके देखते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगा तो कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी, करेक्ट। देखिए 12 तो आपका बी हो गया, देखिए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, बी इज इक्वल टू 12, और पी और एच की वैल्यू अभी आपको गिवन नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए उसको फाइंड करने के लिए आपको देखिए बी की वैल्यू तो आपकी कितनी है 12, 12 में पी की वैल्यू को कितना जोड़ेंगी इज इक्वल टू 17 हो जाए, आप बोलेंगे कि 5 जोड़ दिए ना, 12 और 5 इज इक्वल टू 17, सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन भी लग रही है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलेंगे 5, और 5, 12 और 13 हाइपो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये ट्रिपलेट तो हो जाएगा 13। बात समझ में आई, कोई भी दिक्कत हो किसी भी भाई को, हाँ तो आप फिर से रिकॉल करके क्लास देख सकते हैं, बैक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम की और लग जाएगा पर हाँ कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, जस्ट इसी को हमने बेसिक से सॉल्व किया था, कितना आया था आप बोलेंगे 1/5 आया था, तो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, क्या होता है आपका कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, आगे इसको और सॉल्व किए तो हो जाएगा एच एच और एच माइनस बी अपॉन पी अपॉन एच, तो एच से एच आपका हो जाएगा कैंसिल, एच की वैल्यू में से बी की वैल्यू घटाओ, एच 12, 13 में से जब 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, और पी की वैल्यू आपकी क्या है 5, पी की वैल्यू आपकी 5, आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट है, करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल का था, कितने प्यार मोहब्बत से आपने इसको सॉल्व कर लिया बेसिक से भी और ट्रिपलेट का यूज़ करके भी।
करेक्ट। ये अगर टेबलेट सेटिस्फाई नहीं होता तो कोई दूसरा टेबलेट हम देखते, ठीक है, पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ट्रिपलेट भी आसानी वे में लग रहा है जो कि 100% ट्रूथ है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम पहले बेसिक से बताएंगे, इसके बाद स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्लास में हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बेसिक से भी बताया था और स्मार्ट अप्रोच से बताया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको इससे बेसिक से भी बता देते हैं और स्मार्ट अप्रोच से भी बता देते हैं, फिर से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। बेसिक से करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही फेमिलियर हो चुके हैं, बस क्या कुछ नहीं करना है, सोचना ज़्यादा नहीं है ना, वो नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7, और 7 की अपॉन में अगर 1 कर दें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 कोसेक थीटा, 7 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा एज इंटेड। किसी को भी यहाँ तक इस पॉइंट पे कोई दिक्कत, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से कोसेक को आप इधर लाइए, ठीक है, कोसेक को इधर लाएंगे, ये आपका 7 कोसेक इधर आ जाएगा, या फिर ऐसे कीजिए, हाँ कॉस आपकी मर्जी, हम कह रहे हैं आप कॉसेक यहीं पे एजिटी रखिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पे एक कॉसेक है और इधर कॉसेक है आपका 7 का, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 कॉसेक थीटा, माइनस का 6 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है माइनस का 7 कॉट थीटा, और इधर भी जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 8 कॉट थीटा। तो देखो माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद और देखो और क्या हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है ये आपका गया 3 टाइम में और ये आपका गया 4 टाइम में, और कुछ कर सकते हैं नहीं, और आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 3 कोसेक थीटा, 3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा। अब देखिए इसको और भी सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 3 कोसेक थीटा को कैसे लिखते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं ना, रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट, इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई, चलिए यहाँ से आप देखिए तो क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा आपका कट जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है आपका 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 4, करेक्ट। तो कॉस होता है क्या है आपका, कॉस होता है आपका b अपॉन h, तो p की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करिए, यहाँ से हाइपो के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को अगर घटा दिया जाए, ठीक है, तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आएगी बहुत ही ईजी से, ठीक है, तो ये आपकी कितनी निकल आएगी, अंडर रूट सेवन, p की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 7। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, इसकी कंडीशन नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया था आपको, दिया गया आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, करेक्ट। इसको करते हैं सॉल्व, जब आप इस आगे आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 4 साइन क्या होता है आपका p अपॉन h, इसका करना है आपको स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 एज ए सिमिलरली, ये भी हो जाएगा p अपॉन h, इसका करना है आपको स्क्वायर प्लस 5। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको p और h की वैल्यू को जरूरत पड़ रही ना, तो p की वैल्यू आपकी क्या है, रूट 7, h की वैल्यू आपकी 4, तो लिख लेते हैं ना,
एच की वैल्यू है आपकी फोर, एच की वैल्यू है आपकी फोर और पी की वैल्यू है आपकी, एच की वैल्यू फोर और पी की वैल्यू है आपकी रूट सेवन, रूट सेवन। अब जब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही इजी, फोर इंटू पी, पी की वैल्यू है आपकी रूट सेवन, और रूट सेवन, रूट सेवन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेवन अपॉन एच, एच की वैल्यू क्या है फोर, फोर का स्क्वायर हो जाएगा आपका सोलह, माइनस वन अपॉन अपॉन यहाँ से फिर फोर आ जाए, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू वही हो जाएगी साइन की ना, सेवन अपॉन सिक्सटीन, सेवन अपॉन सिक्सटीन प्लस फाइव, यहाँ से देखिए आपको कुछ कट हो रहा है ना, ये आपका जाएगा फोर टाइम में आ जाए, सिमिलरली ये भी जाएगा आपका फोर टाइम में। अब आपका फाइनल यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो देखिए सेवन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सेवन अपॉन फोर प्लस फाइव, जब इसको आप फाइनल सॉल्व करेंगे तब आपका क्या बनेगा, देखिए डिनोमेटर में आपका फोर, फोर वन या फोर, सेवन में से फोर आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा थ्री अपॉन, डिनोमेटर आपका हो जाएगा नीचे वाला सॉल्व कीजिए फोर, चार पंचे बीस, सात सत्ताईस, ठीक है। यहाँ से आप इसको कट कीजिए, देखिए फोर से आपका फोर खत्म, ये खत्म हो जाएगा आपका वन अपॉन नाइन, वन अपॉन नाइन, जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, डी नंबर। और देखिए यहाँ पे जल्दीबाजी में आप सी नंबर मत कर देना जो कि आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये माइनस में आपका वैल्यू तो आई प्लस में, तो 100% रॉन्ग की रॉन्ग हो जाएगा ये वाला, सी वाला। राइट कौन सा होगा, 100% डी नंबर। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था प्री का, जो कि आपने चुटकियों में कर लिया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 18 नंबर सॉल्व किया ना बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से भी। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ही लग्जरी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। ऐसी सिचुएशन बने तो आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, फाइव के अपॉन में अगर वन लिख दे कोई दिक्कत नहीं। लिखा क्या है क्वेश्चन आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव, इज इक्वल टू फाइव। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू फाइव टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस फाइव साइन स्क्वायर थीटा एज इंटेड। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आगे और इसको सॉल्व कीजिए आप, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में साइन फाइव साइन स्क्वायर थीटा माइनस की इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप यहाँ से और क्या कर सकते हैं, इसमें कर ये सकते हैं कि सिक्स साइन स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिखिए, उसके बाद फाइव टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को ना, जैसे कि टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से भाई आपका साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कट, ये आपका आ जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव आपका एज इट इज था, सिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा इधर, तो हो जाएगा डिवाइड में। अब आप देखिए यहाँ से साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सिक्स लिखा है, पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर कर स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों बोथ ऑन साइड लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑन राइट साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर को हटाने के लिए सॉरी स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट, करेक्ट। तो रूट से इधर भी रूट लगाएंगे, इधर भी रूट लगाएंगे, तो इधर से रूट से ये स्क्वायर आपका हो जाएगा खल्लास, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स। इतनी बात समझ में आई, चलिए। और कॉस होता क्या है आपका, तो कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो पी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट एच के स्क्वायर में से एच की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करके
बी की वैल्यू जो भी उसका स्क्वायर का है, आपस में डिफरेंस निकालिए ना, बड़े में से छोटा घटाइए। तो देखिए 6 माइनस 5, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1, जो कि क्या होगी, अंडर रूट 1 का मतलब 1। पी एच और पी, आज के समय आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली है, तो बस आप कंडीशन देखिए, आप सॉल्व करिए। कंडीशन है आपकी 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। कंडीशन लिखते हैं नेक्स्ट पेज में और इसको करते हैं भाई सॉल्व। चलिए 24 साइन स्क्वायर थीटा चौबीस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन है आपका 6 कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस या प्लस माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 इंटू साइन पी अपॉन एच का आपको करना है स्क्वायर माइनस 15, और सेक आपका क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी का स्क्वायर करना है आपको स्क्वायर अपॉन 6 इंटू साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, इसका करना है आपको स्क्वायर माइनस 7। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और 10 होता है आपका पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, ये हो जाएगा बी अपॉन पी, क्या करना है आपको स्क्वायर। यहाँ से आपको पी बी और एच तीनों की वैल्यू ही आपको यहाँ पे रखनी है, तो देख लेते हैं आपकी कौन क्या क्या वैल्यू है। बी की वैल्यू आप बी और एच की वैल्यू आपको देखो क्या दिया गया है, बी और एच की वैल्यू है आपकी, और पी की वैल्यू आपकी क्या, पी की वैल्यू तो आपकी 1 निकली, उसके बाद बी की वैल्यू है आपकी रूट 5 और इसकी वैल्यू आपकी रूट 6, करेक्ट, रूट 6, रूट 5 और 1, बस इसकी वैल्यू रख दो, आपका आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा आंसर करेक्ट, और पी की वैल्यू है आपकी 1। आगे जब इसको आप सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 24 एज इट इज आपका रहेगा इंटू पी, पी का करना है स्क्वायर, पी की वैल्यू आपकी अंडर रूट 6 और 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 अपॉन एच, एच है आपका सॉरी पी, पी है आपका 1, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा अपॉन एच, एच का स्क्वायर करना, एच की वैल्यू आपकी रूट 6 और रूट 6 का स्क्वायर हो गया आपका 6, करेक्ट। इसके बाद माइनस माइनस 15 इंटू एच अपॉन बी, इसका करना है स्क्वायर, एच है आपका 5 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, करेक्ट, नहीं एच अपॉन बी का करना है ना, तो एच की वैल्यू क्या है आपकी, बोलेंगे रूट 6 और रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 अपॉन बी, बी की वैल्यू क्या है रूट 5 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 अपॉन 5। बहुत ही आराम से करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे नहीं, एक्यूरेसी बस मेंटेनमेंट रखिए बस। देखिए एच, एच है आपका रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 अपॉन पी की वैल्यू है आपकी 1, उसके बाद माइनस है, माइनस ही तो था, हाँ दोनों वैल्यू में माइनस है, चलिए इसके बाद 7 आपका एज इट इज हो जाएगा इंटू बी और पी की वैल्यू रखनी है, बी है आपका रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 अपॉन पी है आपका 1। अब इसको करते हैं और सॉल्व, देखिए ये आपका जाएगा 4 टाइम में, करेक्ट, ये आपका जाएगा 3 टाइम में, और कुछ कट रहा है नहीं, चलिए ये बचा क्या आपका यहाँ से 4 माइनस, देखिए यहाँ से तो केवल 4 ही बचा, और माइनस 36 18 अपॉन अपॉन ये बचा आपका कितना हो जाएगा 36
-35, करेक्ट, 36 -35। जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा 14 अपॉन माइनस का 14 अपॉन 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 14 जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, माइनस का 14 आया है, माइनस का 14। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था जो कि आपने प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर लिया। चलिए इसी एक्यूरेसी को मेंटेन्स रखना है और आगे बढ़ते रहना है। 20 नंबर देखिए आपसे क्या बोला गया है, और देखिए इसको अब करेंगे हम स्मार्ट अप्रोच से, बेसिक से नहीं करेंगे। जब कभी भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का फंडा बने वहां पे आप क्या करते थे, बेसिक और स्मार्ट। अब बेसिक आपको दो क्वेश्चन बता चुके हैं, अब करेंगे इसको स्मार्ट तरीके से। कंडीशन थी ना कि प्लस वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, माइनस वाली नीचे, ठीक है। तो इसको पहले करेंगे इंटरचेंज, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखा क्या है, क्वेश्चन लिखा है आपका sec theta माइनस tan theta अपॉन sec theta प्लस tan theta इज इक्वल टू लिखा है आपका 1/7। पर ये कंडीशन कब फॉलो होती थी जो हमने पढ़ी थी, प्लस वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए, माइनस वाली नीचे। तो इसको करेंगे इंटरचेंज। जब आप इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे, देखिए जब आपको यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर वो वाला नीचे हो जाएगा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा, 7 ऊपर 1 नीचे, 7/1, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से आप एक लाइन में आंसर कैसे निकालेंगे P, B और H का। देखिए sec थीटा अपॉन माइनस वाली वैल्यू नीचे आएगी ना, tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को एक बार ऐड करिए, नीचे वाली माइनस वाली वैल्यू निकालने के लिए दोनों को आपस में डिफरेंस निकालिए दोनों का। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/6, तो हो जाएगा 4/3, करेक्ट। इसको सॉल्व करिए आप, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/sec थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1/cos थीटा अपॉन साइन, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप देखिए कॉस से आपका कॉस खत्म, 1/sin थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, 4/3। और यहाँ से आप देखिए क्या निकला आपका, बचा क्या, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और जब इसको साइन थीटा केवल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3/4। हाँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि 1/sin थीटा बचा था, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। जब इसको ओवरलैप करा देंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 ऊपर और 4 नीचे, करेक्ट। चलिए, और साइन होता क्या है आपका, P अपॉन एच। तो यहाँ से बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16-9, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी, अंडर रूट सेवन। अब जब आज के समय में आपने जब पी एच और बी की वैल्यू निकाल चुके बैठे हैं, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलिए फाइंड क्या करना है आपको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं, क्या है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं, कॉस थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये आपको करना है सॉल्व, ये आपको करना है सॉल्व, करेक्ट। कॉसेक थीटा
माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिए पी की वैल्यू आपकी 3, एच की वैल्यू आपकी 4। तो देखिए पी की वैल्यू है आपकी 3, एच की वैल्यू है आपकी 4, बी की वैल्यू है आपकी रूट 7। तो क्या करना है इनका, इनका करना है इसमें यूज। चलिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है अपना पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। प्लस कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन होता है अपना पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। आज सिमिलरली यही हो जाएगा एच अपॉन पी माइनस बी अपॉन पी का स्क्वायर। आगे इसमें वैल्यू आप पुट कीजिए, जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है आपकी 4 अपॉन पी की वैल्यू है आपकी 3 प्लस बी का करना है स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 अपॉन पी का स्क्वायर, कितना पी की वैल्यू आपकी 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 अपॉन एच आया आपका 4 अपॉन पी की वैल्यू आपकी 3 माइनस 7 अपॉन 9 सिमिलरली। ठीक है, अब इसको आप करिए सॉल्व नेक्स्ट। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 9, एलसीएम आपका आ जाएगा 9 और एलसीएम आ गया 9, इसको सॉल्व करना आता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एलसीएम आ गया 9, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई ना 9 चौक 36 और 7 3 21 अपॉन एलसीएम आ जाएगा एज इट इज इसमें 9, उसके बाद 9 चौक 36 और 9 3 27 सॉरी 7 3 21 होगा ना। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। सॉल्व करने से पहले देखिए आपका 9 से 9 तो आपका खत्म, आगे बचा क्या आपका, आगे आपका बच्चा देखिए इसमें इसको ऐड कीजिए हो जाएगा 7 5 अपॉन, इसमें से इसको लेस कीजिए तो हो जाएगा आपका 5 1 करेक्ट 5 1। अब ये किसी से कट रहा है या मैच कर रहा है कोई क्वेश्चन, देखिए आंसर कोई अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा नहीं हो रहा तो इसको कट करेंगे। देखते हाँ आंसर क्या है आपके, ठीक है आपका क्या आया, ये किससे कटेगा, किसी से कट रहा है, कटने लायक है किसी से, अगर कट रहा है तो कट करते हैं ना। ठीक है हाँ कट करिए इसको, जब आप इसको कट करेंगे तब आपको देखो 3 से कट हो रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल, जब आप 3 से इसको कट करेंगे आगे, हाँ जब आप इसको क्या मैंने बोला 3 से जब आप कट करेंगे तो देखिए 3 से कट करिए आपको होगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3 1 3 और ये हो जाएगा 9। ठीक है तो आ जाएगा आपको फाइनल आंसर क्या आया, 19/5 जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिए आप 19/5 आंसर नंबर ए जो कि आपका करेक्ट है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था 3/2/2022 का। ठीक है कितने प्यार भरी नज़रों से आपने देखा इसको और किया इसको सॉल्व। चलिए हाँ चलिए 20 नंबर भी आपका हो गया सॉल्व, आप पहुँचे कहाँ पे हैं 21 नंबर, ये भी आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा गया आपको क्वेश्चन है मेंस का 2019 में। ठीक है टायर 2 में हाँ ठीक है सीजीएल करते हैं ना सॉल्व। क्या दिया गया है आपको, सेक थीटा, हाँ सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी गिवेन है आपको करेक्ट। यहां से आप ट्रायंगल बनाइए, करेक्ट थीटा, थीटा आप ये इस वाले को एज्यूम कीजिए, तो सेक होता क्या है आपका, आप बोलेंगे सेक अपना होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी।
एच कितना है आपका, थीटा के अकॉर्डिंग एच है आपका ए और बी है आपका, बेस है आपका बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हाइपो के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को अगर घटा दिया जाए, हाइपो के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को अगर घटा दिया जाए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको फाइंड करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अब आपको कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है 1 - tan² θ / 2 - sin² θ, करना है इसको सॉल्व। देखिए क्या लिखा है आपका, लिखा है आपका 1 - tan² θ / 2 - sin² θ, करेक्ट। इसको करते हैं सॉल्व। चलिए 1 - tan क्या होता है अपना P/B का, करना है आपको स्क्वायर, अपॉन 2 - sin होता, हाँ साइन होता है आपका P/H, इसका करना है आपको स्क्वायर। चलिए इसको आगे सब सॉल्व करेंगे, वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट करिए आप। 1 आपका एज इट इज, माइनस p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपकी √a² - b², इसका करना है आपको स्क्वायर, करेक्ट। अपॉन b, b की वैल्यू है आपकी क्या b, इसका भी करना है आपको स्क्वायर ना। चलिए अपॉन 2 - p की वैल्यू है आपकी a² - b², इसका करना है आपको स्क्वायर। अपॉन h की वैल्यू है आपकी a, इसका भी करना है आपको स्क्वायर, करेक्ट। चलिए आगे और इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 - 1 - स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आपका a² - b² अपॉन b², करेक्ट, अपॉन, ठीक है। यहाँ से देखो स्क्वायर से रूट ये आपका फिनिश हो जाएगा 2 - ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a² - b² अपॉन हो जाएगा आपका a². आगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे और इसको सॉल्व करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो b² / b² और आपको भी पता है इस माइनस का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होना है ना, इस माइनस का इसमें अंदर क्या होना है मल्टीप्लाई, एज अ सेम इस वाले माइनस का भी अंदर क्या होना है मल्टीप्लाई, करेक्ट। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो b² - a² - हो जाएगा आपका प्लस का b², करेक्ट। अपॉन डिनोमेटर में आपका a² एज इट इज आ जाएगा, अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस का a² - आपका हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे आप देखिए, तो देखिए 2a² है ना, तो उससे एक a खत्म हो जाएगा आपका, करेक्ट, बहुत बढ़िया। जब इसको आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चलो अभी कर लेते हैं, इसी में थोड़ी सी जगह चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2a² है ना, तो 2a से एक a खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल, बचेगा क्या यहाँ पे, देखो आपको भी पता है ये आपका 2 चला जाएगा, एक चला जाएगा कहाँ, ऊपर उठ के, करेक्ट। तो देखिए यहाँ से b कितना हो जाएगा 2b, कितना हो जाएगा 2b, तो यहाँ से एक डायरेक्ट आप कह सकते हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा b कितना हो जाएगा, देखो a आपका चला जाएगा ऊपर, तो a² b कितना हो जाएगा 2b और माइनस का a² बात समझ में आई। अब इसका फंडा देखते हैं क्या होगा,
ये तो चला गया ऊपर, और ये तो आज इट इज हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। हाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है तो आप बताएंगे बड़े ही आसान तरीके से। ये तो आपका आ गया आंसर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका, देखिए क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में आना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करेक्ट आ रहा है, पर ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, तो देखिए माइनस का ऊपर है तो आपका सी और डी तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया, अब बचा इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए आपका ए स्क्वायर टू बी, ए स्क्वायर टू बी, सॉरी माइनस का पहले आना चाहिए ना, तो प्लस वाली वैल्यू कट जाएंगी, ए और बी आपका हो जाएगा कट, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके दो, क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपका टू बी माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर नहीं है ना, सॉरी स्क्वायर भी तो लिखिए यहाँ पे, चलिए चलिए तो क्या ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब दोनों में क्या है कॉमन है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे क्या है बी स्क्वायर, पर यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है पर यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इससे आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फाइनल आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई, फिर से आप इसको सॉल्व कर लेना, कठिनाई अगर हो रही हो क्लास को फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपना बी स्क्वायर छूट गया था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर को भी साथ में लेके चलना है। ये क्वेश्चन होता है अपना सॉल्व 21 नंबर। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे, ठीक है ना, कितने मेथड, दो मेथड। चलिए सबसे पहले तो इसको करते हैं बेसिक से सॉल्व, मेथड नंबर वन बेसिक से सॉल्व। क्या है बेसिक, कैसे करना पड़ेगा, जस्ट अ वेट। दिया गया आपको इन ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल आपका कौन सा है, बी। हाँ तो ट्रायंगल का आप एक निर्माण करिए, और कौन सा ट्रायंगल बनाना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे बहुत आज इजी वे में आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका, बी। 90 डिग्री में कौन बैठा है आपका, बोलेंगे बी, करेक्ट। इसके बाद टेन ए, टेन ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है, टेन ए दिया गया है इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, करेक्ट, वन अपॉन रूट थ्री। और टेन होता क्या है अपना, टेन होता है आपका पी अपॉन बी, करेक्ट। यहाँ पे एंगल आपको कौन सा मेजर कराया गया, आप बोलेंगे टेन ए, तो ए आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए बी और सी, करेक्ट। एंगल ए के अकॉर्डिंग टेन क्या है, बोलेंगे पी अपॉन बी, पी की वैल्यू क्या है ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के पास आइए, बेस रेखा ये हो जाएगा, इसके सामने वाली रेखा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली रेखा हाइपोटेनस। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, बहुत बढ़िया। ए के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है आपकी वन, पी की वैल्यू है आपकी वन, पी की वैल्यू है आपकी वन, और बी की वैल्यू है आपकी रूट थ्री। तो याद कीजिए मैंने एक ट्रिपलेट लिखाया था आपको, क्या वन टू और रूट थ्री लिखाया था, करेक्ट, याद आया ना, वन टू और रूट थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, टू, इसीलिए कह रहे हैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, याद रखिए ना। चलिए अभी कर रहे हैं इसको बेसिक से सॉल्व। कंडीशन आपको क्या सॉल्व करनी है, साइन ए इंटू, कंडीशन आपको सॉल्व करनी है साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस सी प्लस प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू इंटू साइन सी, करेक्ट। इसको करना है सॉल्व, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले तो ध्यान देना है, ठीक है ना, जिस एंगल का जिक्र किया गया है उस एंगल को मेजर करते हुए आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को डिफाइंड करना है, करेक्ट।
यहां पे देखिए आपको साइन ए और एंगल ए के पास जाइए, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका वन, बेस क्या हो जाएगा रूट थ्री, हाइपो तो आपका सेम रहेगा टू। चलिए एंगल साइन ए, तो एंगल ए के पास पहुंचिए और साइन आपका क्या होता है पी अपॉन एच, तो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू। इसके बाद देखिए कॉस सी, एंगल सी का करेगा ना, तो एंगल सी के पास पहुंचिए, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस आपका वन हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका रूट थ्री हो जाएगा और ये टू। जज्बात ही बदल गए क्योंकि एंगल दूसरा है ना। चलिए एंगल सी के पास पहुंचे तो बी कॉस होता है क्या बेस अपॉन हाइपो, तो वन अपॉन टू करेक्ट प्लस। फिर देखिए कॉस ए, एंगल ए के पास पहुंचिए अब, तो एंगल ए के पास आप आ गए और कॉस होता है क्या आपका बेस अपॉन हाइपो रूट थ्री अपॉन टू इंटू। इसके बाद साइन सी, एंगल सी के पास पहुंचेंगे ना, सी आपका ये है और साइन होता है क्या परपेंडिकुलर, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये है और हाइपो ये हो जाएगा है ना, तो परपेंडिकुलर आपका रूट थ्री और ये हो जाएगा आपका टू। फाइनल जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन फोर प्लस, डिनोमेटर में आपका आ जाएगा फोर, डिनोमेटर में आ जाएगा फोर और आधा आधा कितना हो जाएगा एक। ठीक है अब जब इसको फाइनल आप रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमेटर आपका फोर और थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर, जब इसको आप कट करेंगे तो वन वन क्या आया, मतलब कि वन आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है वन, जो कि आपका करेक्ट है आंसर नंबर आपका डी, माइनस वन नहीं डी। सी एच एस एल में पूछा गया, एसएससी सी एच एस एल में पूछा गया, बताओ सी एच एस एल का क्वेश्चन भी आप इतने इजी वे में कर पा रहे हैं, और इससे भी इजी मेथड आपको बताने जा रहे हैं हम, इससे भी इजी मेथड आपको बताने जा रहे हैं भाई, उसके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी और होनी चाहिए। ठीक है चलिए और बेसिक मेथड, ठीक है इसको बताते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट से करते हैं, ये भी था आपका बेसिक। ठीक है इसको करते हैं रफ, करते हैं मेथड नंबर टू से इसको सॉल्व। चलिए मेथड नंबर टू से टू को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है आपको लिखाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है क्या है, सबसे पहले तो आपको लिखना है साइन, पहला फार्मूला है आपका साइन ए प्लस बी करेक्ट। सेकंड है आपको कौन सा लर्न करना है, साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपको और याद करके रखना है कॉस, कॉस ए प्लस बी। इसके बाद फोर्थ और एक आपको याद रखना है कौन सा, कॉस, कॉस ए माइनस बी। ओके इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आपको वही फार्मूले हम लिखाने जा रहे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन जो होता है बेचारा बहुत ही सीधा होता है, पहले कहता आप साइन आ जाइए फिर उसके बाद मेरे साथ कॉस आ जाइए, ठीक है ये दोनों को लेके संबंध बनाते हुए चलता है, सीधा होता है साइन। तो ये देखिए क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी है ना, साइन बहुत सीधा होता है, पहले कहता है आप ए के साथ मैं आऊंगा, फिर सेकेंड टाइप आप कॉस जी आप आ जाइए बी के साथ, फिर प्लस साइन ए प्लस कॉस बी प्लस, फिर कहेगा आप एक बार पहले आ जाइए, तो कॉस ए इंटू साइन बी करेक्ट। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन होता है बेचारा सीधा। अच्छा सिमिलरली ये भी हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी करेक्ट। इसके बाद बात आती है कॉस, कॉस जो होता है ना ये बहुत ही चालाक होता है, ये कहता है नहीं पहले मैं ही आऊंगा, पहले तो मैं ही आऊंगा, देखिए इसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कहेगा पहले तो मैं ही आऊंगा कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर कहेगा कि अब आप जाइए साइन, आप साइन जी अब आप जाइए। तो यहाँ पे देखिए
आपको ध्यान देने की बात यह है कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, याद देना। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस प्लस है तो माइनस, साइन ए हाँ साइन ए, साइन ए इंटू साइन बी, करेक्ट। इसके बाद कॉस तो पहले ही आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो क्या आएगा प्लस। कॉस ना बहुत चालाक होता है, साइन को भी अपने चेंज कर लेता है और आता भी पहले ही है, साइन को उठा के बाद में फेंक देता है। साइन कहता है कि आप बाद में आइएगा, पर साइन बेचारा सीधा तो वो कहता था नहीं, आप मिक्स मेरे साथ चलिए संबंध बनाते हुए। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से? साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद कॉस जो होता है ये बहुत चालाक होता है, पहले वो आता है और माइनस की, अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाता है, अगर प्लस है तो वो माइनस बन जाता है, करेक्ट। तो पहले तो आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कहेगा फिर आप साइन जी आ जाइए, इसको आगे दे देगा साइन में, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी तो पहले आएगा, फिर कहेगा नहीं, वो थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने माइनस को दे दिया इसको, तो आप कहेगा अब आप एक बार प्लस में चले जाइए ना, तो साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे आपको इसमें ध्यान रखना है कॉस वाले फार्मूले में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, ये ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन और पता होनी चाहिए कि क्या, चलो यहीं पे बता देते हैं हम यहाँ पे, हाँ यहीं पे बता देते हैं। अभी आपने कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या, जो एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका कितने का होता है, फिक्स होता है, वो भी क्या 90 का, वो कौन सा एंगल होता है आप बोलेंगे, ये समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 का फिक्स होता है, करेक्ट। इस 90 में हाँ एक कोण तो आपका 90 का फिक्स होता है, मैंने कह दिया इस वाले कोण की वैल्यू आपको दे दी मैंने 45, तो इस वाले बचे हुए कोण का मान कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में 90 ये 45 ये, तो बचे हुए एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, क्योंकि कंडीशन 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 45 डिग्री, करेक्ट। इसके बाद आपको एडवांस में जब वो मैंने पढ़ाया था कौन सा चैप्टर, पॉइंट लाइंस एंड एंगल, ठीक है, तब उसको उसमें मैंने बताया था कि थोड़ा सा बताया था ना एक ट्रेंगल के माध्यम से, कि अगर ट्रेंगल की कोई भी दो वैल्यू इक्वल है, मतलब एक ट्रेंगल में नॉर्मल ट्रेंगल हो कैसा भी ट्रेंगल हो, ठीक है, अगर इनके एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड भी आपकी इक्वल होती हैं। इस एंगल के देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, चलो इसको पॉइंट से समझा देते हैं। मैंने ले लिया ए बी और सी, यहाँ पे आप एंगल के माध्यम से अगर देखेंगे, क्या एंगल के माध्यम से, एंगल के माध्यम से, तो क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों ही क्या इक्वल है ना, 45 और 45 के हैं, करेक्ट। इसके बाद अगर आपके एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड भी आपकी इक्वल होती हैं, तो एंगल आपका ए और सी इक्वल है तो सी के सामने कौन सी साइड आप बोलेंगे, अगर साइड के माध्यम से देखें, क्या साइड के ऑथेंटिक वे से सोच के देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी साइड, ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड, है ना, ए बी साइड, ए बी और बी सी साइड आपस में इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी, और अगर साइड इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगी, इसका कोई प्रूफ नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, करेक्ट। चलिए अब यहां से आप देखिए कि राइट एंगल ट्रेंगल में एक कोण 90 का होता है, इसकी वैल्यू 90 ले ली तो बचा हुआ एंगल के कोण कितने हो गए 90, अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने की साइड इक्वल होंगी, इसके सामने की ये वाली साइड और इसके सामने की ये वाली साइड दोनों होंगी इक्वल,
बात समझ में आई, प्रूफ के माध्यम से देख भी लिया। इसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रेंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल क्या है आपका बी, करेक्ट, राइट एंगल ट्रेंगल आपका बी 90 डिग्री का जो कि है, हाँ, उसके बाद एंगल ए आपका ये है और बी आपका ये है, करेक्ट। इसके बाद कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ना, चलिए जो कि आपको बता दी, ये 90 है तो ए और बी की वैल्यू ये होगा आपका सी, होगा आपका सी, एंगल ए की वैल्यू तो आप निकाल चुके कितनी है 90, जो कि फिक्स है राइट एंगल ट्रेंगल, तो एंगल ए और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इसको 45 और इसको 45 ले लें तो आपको एक फार्मूला भी लिखा है ना, ये देखो साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी का फार्मूला बन रहा है, कौन सा, साइन ए प्लस सी का फार्मूला बन रहा है, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, एज इट इज सेम मैच हो रहा है, बिल्कुल। चलिए तो यहां से देखिए ये किसके इक्वल में हो जाएगा, आप बोलेंगे ये इक्वल में किसके हो जाएगा, इसमें, तो इसको सॉल्व कर लें तो इसके इक्वल में हो जाएगा, करेक्ट। देखो साइन साइन ए, ए की वैल्यू क्या है, बोलेंगे 45, करेक्ट, प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या है 45, साइन एज इट इज 45 प्लस 45 कितने हो जाएगा आपका 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो देखिए कितने स्मार्ट अप्रोच में हो गया आपका 1, माइनस 1 नहीं, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है ना, बेसिक से भी देख लिया, फॉर्मूले भी देखे हमने, है ना, फॉर्मूले भी देखे, और उसके बाद कंसेप्ट भी समझ लिया, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड इक्वल होंगी, या इसका कन्वर्स भी, इनका उल्टा कन्वर्स भी ट्रूथ होता है, अगर साइड इक्वल है उसके सामने के एंगल भी आपके इक्वल होंगे, एजेंटेड। चलिए क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व ये वाला, है ना, इतना बड़ा लग रहा था पर क्या साइन सी ए प्लस बी का फार्मूला यूज हुआ ना, मतलब क्या साइन ए प्लस सी का किसके इक्वल में होता है, इसके इक्वल में, 45 45 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। चलिए कंसेप्ट भी समझ लिया, फॉर्मूला भी देख लिया, अभी पहुंचे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या बोला गया, ये इसको भी करते हैं सॉल्व। 23 नंबर दिया गया, इन राइट एंगल ट्रेंगल, हाँ इन ट्रेंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल आपका बी है और टेन ए की वैल्यू आपको ये दी गई है, फाइंड आपको ये करना है, करेक्ट। चलिए पहले तो ट्रेंगल बनाते हैं, तो बनाइए आप ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में आपका राइट एंगल ट्रेंगल क्या है बी, करेक्ट, और दिया क्या गया है आपको टेन टेन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग ना 1/2, और टेन होता है क्या आपका पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, करेक्ट। चलिए एंगल ए के अकॉर्डिंग, हाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग पी आपका कितना है 1, ये एंगल ए बी तो ये हो जाएगा आपका सी, पी कितना है आपका 1, ठीक है एंगल ए के अकॉर्डिंग ना पी, और बी कितना है आपका बोलेंगे 2, तो हाइपो की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हाइपो की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट दोनों की वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, करेक्ट। अब कंडीशन आपको क्या सॉल्व करनी है, साइन ए ब्रैकेट में है कॉस सी प्लस कॉस ए अपॉन कॉस सी ब्रैकेट में है साइन सी माइनस साइन ए, करते हैं ना इसको सॉल्व, चलिए करते हैं सॉल्व। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे देखिए लिखा क्या है आपका, लिखा है आपका साइन ए ब्रैकेट में आपका कॉस सी, हाँ कॉस सी प्लस कॉस ए अपॉन अपॉन है अपना कॉस सी ब्रैकेट में आपका साइन सी माइनस साइन ए करेक्ट, साइन ए कॉस ए प्लस साइन सी माइनस साइन ए, करेक्ट, डेटा सही लिखना वरना
कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर तो आपका रॉन्ग आंसर आएगा। अब देखिए, ये देखिए पहले एंगल कौन सा पूछा गया, उसी एंगल के पास जाइए, साइन ए, तो एंगल ए के पास पहुंचिए, और एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन होता क्या, पी अपॉन एच, तो पी हो जाएगा वन, पी हो जाएगा वन और एच हो जाएगा आपका रूट फाइव, करेक्ट। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आइए, तो एंगल सी की जिक्र किया गया, तो एंगल सी के पास आप पहुंचिए, कॉस, कॉस होता है क्या अपना बेस अपॉन हाइपो, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपो आपका ये हो जाएगा, करेक्ट। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग जब पूछेंगे तो बेस, हाँ कॉस सी बेस अपॉन हाइपो वन अपॉन रूट फाइव, वन अपॉन रूट फाइव है ना, वन अपॉन रूट फाइव प्लस प्लस कॉस ए, एंगल ए के पास पहुंचिए तो बेस आपका ये हो जाएगा, हाइपो आपका ये हो जाएगा, तो टू अपॉन रूट फाइव अपॉन, डिनोमेटर का जब पार्ट आप सॉल्व करेंगे कॉस सी, तो एंगल सी के पास पहुंचिए तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, तो वन अपॉन रूट फाइव, ब्रैकेट में आपको क्या लिखा है साइन सी, तो एंगल सी के पास पहुंचेंगे और सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपो, ये साइन होता है आपका पी अपॉन एच, सी के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच, तो दो अपॉन टू अपॉन रूट फाइव माइनस साइन ए, एंगल ए के पास पहुंचिए तो ए के अकॉर्डिंग साइन क्या होता है पी अपॉन एच, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपो ये, तो वन अपॉन रूट फाइव। इसको करते हैं सॉल्व, सॉल्व करने से पहले देखो ये आपका आपस में कट जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे और इसको सॉल्व कीजिए, जब आगे इसको और आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका रूट फाइव ही आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, करेक्ट। नीचे आपका क्या हो जाएगा एज इट इज आ जाएगा रूट फाइव, और टू में से वन आपका हो जाएगा लेस, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो रूट फाइव से आपका रूट फाइव हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आपका बचेगा टू थ्री अपॉन वन, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका थ्री, जो कि आपका 100% करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर नंबर बी SSC CGL टायर टू, टायर टू मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल का आपने देखे क्वेश्चन किया, वो भी मेंस का टायर टू का, वो भी किसका टायर टू का, कितने इजी वे में हो गया ना। चलिए 23 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।